My dear student, today we are going to discuss with you the topic, the leader announced himself. My dear, if you have remember my previous class where I was discuss the biography of the Gandhi, where I told you that Mr. Gandhi, their father name was Karamchand Gandhi, he was born 2nd October 1896 in Porbandar, Gujarat. His father Karamchand was Diwan in Porbandar, Rajkot and Bikaner also. His nickname, Gandhi nickname, and their father's nickname, that was also explained by me in your previous class. Kaba Gandhi, his father nickname. And his father had four wives was Putlibai. Putlibai was the mother of Mr. Gandhi. Gandhi, when he was 13 years old, he was got married with the Kasturba Gandhi. Kasturba also, the same year, near about, unse thodi choti thi. Gandhi ji aur Kasturba se char bacche paida hue, jinke baare mein maine bataya. Gandhi ji ke charon putron ke naam maine pichle video mein count kiya. Maine aapse kaha tha ki unke bachchon ka naam हरिलाल, मणिदास, देवदास और एक का नाम मैंने आपसे कहा कि रामदास था. गांधी जी के निक नेम के बारे में मैंने बात करते हुए कहा था कि मोनिया उनका निक नाम था. और फिर मैंने गांधी जी को किस तरह 1889 में जब वो बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए लंदन गए और 1891 में जब वो बैरिस्ट्री पढ़ के भारत आए और फिर वो दक्षिण अफ्रीका आज़ाद अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका पहुँचे. 1893 में वो साउथ अफ्रीका पहुंचे और 1893 से 1950 तक गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे. गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे एक महीने के लिए. गांधी दक्षिण अफ्रीका रह गए 21 साल. अपने इस टाइम पीरियड के दौरान गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए काफ़ी काम किया. भारतीयों के ऊपर हो रहे अत्याचार, भारतीयों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे, उनका गांधी ने एक प्रॉपर तरीके से विरोध किया, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोग अंग्रेज़ों का प्रोटेस्ट कैसे किया जाए, कैसे एप्लीकेशन दी जाए, इसके बारे में भी नहीं जानते थे. गांधी जी पहले व्यक्ति थे जो इतने पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर थे, जो उन लोगों का फेवर कर रहे थे, उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए. या मैं एक बात और आपको कल की वीडियो में बताया था कि कस्तूरबा गांधी पहली भारतीय महिला थी जो मैरिज रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट जेल गई थी. और फिर गांधी ने अपने जीवन की शुरुआत एक वकील के रूप में करते हुए एक नेता के रूप में, लोगों के लीडर के रूप में उभरे दक्षिण अफ्रीका में. इसीलिए एक इतिहासकार चंद्रन देव सेनन कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया. दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में एक नए तरीके का प्रयोग किया. सत्याग्रह अहिंसात्मक विरोध की वो सफल प्रयास था जिसका प्रयोग गांधी जी ने भारत में भी किया और काफ़ी हद तक उसमें सफल रहे. उन्होंने अपने आंदोलनों के दौरान विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया. उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जाति वर्ग के साथ अच्छा व्यवहार करने, महिलाओं के प्रति भेदभाव न करने वाले व्यवहार के लिए प्रेरित किया. ये गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से ही शुरू किया. भारत में इसका व्यापक रूप से उन्होंने प्रचार किया. गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कई सारे काम किए. मैंने आपसे कल बताया था कि 21 मई 1894 में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की. 1902 में टालस्टाय फार्म की स्थापना की. और फिर 1904 में डरबन के पास फोनिक्स आश्रम की स्थापना की. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक पेपर भी निकाला, एक जर्नल भी निकाली इंडियन ओपिनियन के नाम से.
जो पांच भाषाओं में छपती थी, इंडियन ओपिनियन अखबार गुजराती हिंदी तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। तो गांधी जी का ये पूरा काम दक्षिण अफ्रीका में उनका अपने लोगों के प्रति की गई प्रयास एक सफल प्रयास था। दक्षिण अफ्रीका में उन्हें भारतीयों को काफ़ी रियायतें मिली गांधीयन मूवमेंट से। और अब यहीं पे इसके बाद से जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का प्रवेश होता है तो गांधी को लोगों ने राजनीति के मसीहा के रूप में अडॉप्ट किया। लोगों को ऐसा लगने लगा कि एक ऐसा भारतीय जो दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों को मात दी वो भारत आ रहा है और अब हमें स्वतंत्रता मिलने से कोई रोक नहीं सकता, अब ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ने में हम सफल होंगे। इस तरह लोगों का उत्साह चरम पे था। गांधी जी भारत पहुंचे। भारत पहुंचने के बाद 1915 में उन्होंने कांग्रेस सेशन में पार्टिसिपेट किया और यहीं पे गांधी जी के पॉलिटिकल टीचर गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को पूरे भारत भ्रमण की बात कही। गोपाल कृष्ण गोखले का मानना था कि जब तक गांधी पूरे भारत के लोगों को समझ नहीं पाएंगे, उनके एक्चुअल कंडीशंस को जान नहीं पाएंगे, तब तक वो इंडियन नेशनल मूवमेंट को सफल बनाने में पूरी तरीके से सफल नहीं होंगे। इसलिए उनके सजेशन पे गांधी ने भारत भ्रमण किया एक साल तक और गांधी को कांग्रेस में लेने के लिए आतुर कांग्रेसी नेताओं ने गांधी के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया। गांधी ने एक लेटर लिखा कांग्रेस कमेटी को कि जब तक मैं अपनी नीतियों से कांग्रेस को प्रभावित नहीं करूंगा, तब तक मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूंगा। और ये बात कह के कांग्रेस ने कांग्रेस के कांग्रेस पार्टी में एज ए वर्कर के रूप में वो पार्टिसिपेट नहीं किए। इवन उन्होंने अधिवेशन में भाग लिया लेकिन एक नेता के रूप में नहीं। यहाँ मैं एक बात का और उल्लेख कर दूं कि गांधी जी 1915 में सबसे पहले जो उनका पहला स्पीच था वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ, जहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्पीच देते हुए गांधी जी ने कहा था कि हमें अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए, स्वराज्य की प्राप्ति हमें किस प्रकार होगी जब तक हम अपने लोगों के लिए प्रयास नहीं करेंगे, उनके उत्थान के विकास के लिए हम प्रयास नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि व्यर्थ के इन तमगों और व्यर्थ के इन आभूषणों और इन सुंदर सुंदर कपड़ों के पहनने से हमारा देश स्वतंत्र नहीं होगा, हमारे देश को बल नहीं मिलेगा जब तक हम अपने लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएँ और उनके लिए संघर्ष नहीं करेंगे। मैंने आपको कल ये भी बताया कि किस तरीके से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। लॉर्ड हार्डिंग जो उस समय के गवर्नर जनरल थे उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया और फिर यहीं से गांधी के अप्रोच सबके सामने खुल के आ गया। ये वो समय था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसके पहले के बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता आंदोलन को द्रुत गति दे चुके थे, तेज बना चुके थे। लाल बाल पाल का उल्लेख आपके बुक में है, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये दो ऐसे तीन ऐसे नेता हैं जो देश के विभिन्न प्रांतों से थे, दूर दूर जो प्रांत स्थित थे, लेकिन तीनों की अप्रोच तीनों की आइडियोलॉजी एक ही तरह की थी। राष्ट्रवादी आंदोलन अपने इस स्तर पर पहुंच चुका था कि जब लोगों के मन में ये बात बन चुकी थी कि हमें कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट काम करना है, मध्यम वर्ग भी इस बात को समझ चुका था। मध्यम वर्ग में राष्ट्रीय आंदोलन ने अपनी पकड़ बना ली थी, अपनी पैठ स्थापित कर लिया था। 1905 के बंग भंग आंदोलन में हमें वो चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। स्वशिक्षा, बहिष्कार, स्वशासन और स्वराज्य की जो बातें रखी गई थी निश्चित रूप से एक सुसंगठित आंदोलन की आधारशिला के रूप में हमारे सामने आती है। आई विल ट्राई टू डिस्कस द नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग 1905 टू 1918, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट द गांधीयन आइडियोलॉजी एंड इन अप्रोच क्या थी। मैंने आपको ये सब चीजें प्रीवियस क्लास में बताई थी। अब अगर आप बुक में देखें, इफ यू हैव योर बुक पेज नंबर 347 टू पेज नंबर 348,
गांधी जी के स्टेटमेंट को पढ़िए जो उन्होंने ब्रह्म सिंधु विश्वविद्यालय में दिया, वो वहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ पे वो लिखते हैं क्लियरली कि ये पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति गांधी जी की 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा और वे मानव प्रेमी थे जिनके द्वारा दिए गए दान से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया था। समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित थे। इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तुलना में गांधी जी अपेक्षाकृत अनोन अज्ञात थे। उन्हें यहाँ भारत के अंदर अनेक प्रतिष्ठा के कारण उनकी जो भारत में उनको जो महत्ता मिली, भारत के अंदर उनकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पे उन्हें यहाँ आमंत्रित किया गया था। गांधी जी को बीएचयू में आमंत्रित इसलिए नहीं किया गया था कि वो भारत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए, भारत के आंदोलनों में वो अंग्रेजों के खिलाफ या भारतीयों के पक्ष में काफ़ी काम किया। उन्हें आमंत्रण इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो कार्य किए थे वो निश्चित रूप से भारतीय नेताओं को प्रभावित कर रहा था। 1916 बीएचयू का आंदोलन, गांधी जी को जब बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय इलिट क्लास के लोगों को आड़े हाथों लिया, उनकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चय ही अत्यंत शानदार है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, किंतु उन्होंने वहाँ धनी और सजे संवरे भद्रजनों की उपस्थिति और लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच की विषमता पर अपनी चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक वर्ग ऐसा है जो अपने को फुली डेकोरेट है, उनके ड्रेस अच्छे हैं, उनके आभूषण अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन लाखों गरीब जिनके पास न खाने के लिए भोजन है और न पहनने के लिए अच्छे कपड़े, ऐसे भारतीयों की अनुपस्थिति इस मंच पे इस हाल में है। तो वही बात कहते हैं, वो कहते हैं धनी और सजे संवरे इलिट क्लास के लोगों की उपस्थिति और लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच की विषमता पर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की। गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त इन्वाइटेड जो कैंडिडेट्स थे से कहा कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त न कर लें और उन्हें भारत के लिए हम वतनों की भलाई में न लगा लें। वे कहते गए कि हमारे लिए सुशासन का तब तक कोई महत्व नहीं है, सुशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उनके आश्रम उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं तथा अन्य लाभ उनको लोगों तक न पहुंचा दे, स्वयं से उन लोगों तक न पहुंचा दे, किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ किसानों तक न पहुंच जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है, न तो वकील न डॉक्टर और न ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था क्योंकि वहाँ पे भारतीय धन और भारतीय प्रयासों से संभव एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना का द्योतक बना बीएचयू। लेकिन गांधी जी ने स्वयं को बधाई देने के सुर में सुर मिलाने की अपेक्षा लोगों को उन किसानों और कामगारों की याद दिलाना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जो भारतीय जनसंख्या में सर्वाधिक थे। जिनसे भारतीय समाज का निर्माण हो रहा था। एक दृष्टि से फरवरी 1916 में बनारस में गांधी जी का भाषण मात्र वास्तविक तथ्य का ही उद्घाटन अर्थात भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों डॉक्टरों और जमींदारों जैसे विशिष्ट वर्गों द्वारा निर्मित था, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो यह वक्तव्य गांधी जी के द्वारा गया स्टेटमेंट उनकी मनसा भी जाहिर करता था। यह भारतीय राष्ट्रवाद का संपूर्ण भारतीय लोगों का और अधिक अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने की गांधी जी की स्वयं की इच्छा का प्रथम सार्वजनिक घोषणा था। गांधी जी ने इस मूवमेंट में गांधी जी ने बीएचयू के उद्घाटन समारोह में जो स्पीच दिया उसमें उन लोगों ने
अपने समृद्ध परिवार, अपने समृद्ध वंश, अपने समृद्ध अर्थव्यवस्था, या ऐसे कहें कि अपनी समृद्धि, या इलिट क्लास के लोग जो भारतीय थे उनका ध्यान अपने देश के गरीब वर्ग के लोगों की तरफ आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि जब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं हो सकता, हमें मुक्ति नहीं मिल सकती, जब तक हम अपने गरीब लोगों को पूरा अधिकार न दे दें। और ये स्पीच गांधी जी की एक सार्वजनिक घोषणा थी। इसी वर्ष के अंतिम माह में गांधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का अवसर मिला। समय दिसंबर 1916, लखनऊ में अधिवेशन हुआ। कांग्रेस में बिहार के चंपारण से आए किसान डॉक्टर राजकुमार शुक्ल, एक सामान्य किसान जो शायद ठीक से पढ़े लिखे भी नहीं थे, ने गांधी जी से चंपारण में आने का निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया, और चंपारण के किसानों के ऊपर की जा रही जाति के ऊपर ध्यान देने और उनके लिए आंदोलन करने की बात कही। चंपारण के ये किसान राजकुमार शुक्ल ने उन्हें वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया, और यहीं से गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आंदोलनों की शुरुआत शुरू होती है। मैंने आपसे कहा कि चंपारण सत्याग्रह 1916 का कांग्रेस का वो सेशन जब लखनऊ में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं और चंपारण में हुए नील की खेती के संबंध में किसानों के ऊपर अंग्रेजों की जाति का जिक्र करते हैं। क्या था चंपारण सत्याग्रह 1917? इसे फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस भी कहते हैं। चंपारण का मामला काफ़ी पुराना था। 19th सेंचुरी के प्रारंभ में वाइट मैंस बागान मालिकों ने किसानों से एक पैक्ट कर लिया, एक अनुबंध करा लिया, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। यह व्यवस्था तीन कठिया पद्धति के नाम से जानी जाती थी। 19वीं सदी के अंत में जर्मनी रासायनिक रंगों डाई का विकास हो गया था, जिसने नील को बाजार से बाहर निकाल दिया। जो जर्मनी की ये आर्टिफिशियल डाई थी वो तेजी से लोकप्रिय होने लगी और नील, भारतीय नील धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो गया। इसके कारण चंपारण के बागान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश हो गए। किसान भी मजबूरन नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे, किंतु परिस्थितियों को देखकर जो अंग्रेज थे, अंग्रेज मालिकों ने किसानों की व्यवस्था का फायदा उठाना चाहा। उन्होंने दूसरी फसल की खेती करने के लिए किसानों को अनुबंध से मुक्त करने की एवज में लगान व अन्य करों की दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी। उनके अतिरिक्त उन्होंने अपने द्वारा तय की गई दरों पर किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बाध्य किया। चंपारण से जुड़े एक प्रमुख आंदोलनकारी राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाया। गांधी जी चंपारण पहुंचे। गांधी जी इसका उल्लेख अपनी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में करते हैं। जब गांधी जी चंपारण रेलवे स्टेशन पर उतरे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, मजरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख तथा जे बी कृपलानी के सहयोग से उन्होंने चंपारण के मूवमेंट को एक दशा और दिशा देने का प्रयास किया। गांधी जी के चंपारण पहुंचते ही अधिकारियों ने उन्हें तुरंत चंपारण से चले जाने का आदेश दिया, किंतु गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया तथा किसी भी प्रकार के दंड को भुगतने का फैसला किया। सरकार के इस अनुचित आदेश के विरुद्ध गांधी जी द्वारा अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का यह मार्ग चुनना उन्होंने विरोध का सर्वोत्तम तरीका अपनाया। गांधी जी की दृढ़ता के सम्मुख अंग्रेजी सरकार विवश हो गई, अतः उन्हें स्थानीय प्रशासन को अपने आदेश वापस लेने तथा गांधी जी के चंपारण के गांव में जाने की छूट देने का निर्देश दिया।
इस बीच सरकार ने सारे मामले की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया। गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया गया। गांधी जी आयोग को यह समझाने में सफल रहे कि तिनकटिया पद्धति समाप्त होनी चाहिए, किसानों के ऊपर हो रहे एक्सप्लाइटेशन को खत्म होना चाहिए। उन्होंने आयोग को यह समझाया कि किस प्रकार किसानों से पैसा अवैध रूप से वसूला जा रहा है। इसके लिए किसानों को हर्जाना दिया गया। गांधी जी का आंदोलन काफी हद तक सफल हुआ। इस समझौते के पश्चात जो अंग्रेज बागान मालिक थे उन्होंने अवैध वसूली का 25% हिस्सा किसानों को लौटाने पर वो राजी भी हो गए। उसके एक दशक के भीतर ही बागान मालिकों ने चंपारण छोड़ दिया और इस प्रकार गांधी जी ने भारत में जो पहला सविनय अवज्ञा, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस जिसको कह सकते हैं, सफलतापूर्वक एक दिशा प्रदान कर दी इसको। तो ये गांधी जी का पहला मूवमेंट था सिविल डिसोबीडियंस। हम 1930 के बारे में पढ़े हैं, लेकिन चंपारण को भी हम एक तरीके से सविनय अवज्ञा के रूप में ले सकते हैं, जब गांधी जी ने इस बात का विरोध कर दिया कि हम चंपारण से बाहर नहीं जाएंगे और अंग्रेजी सरकार को इस बात के लिए विवश किया कि आपको इसकी कमेटी बना के जाँच की करनी चाहिए। जांच हुई और गांधी जी को इसमें सफलता भी मिली। जो हर्जाना अंग्रेजों ने वसूला था उसका 25% किसानों को उन्होंने वापस भी किया और 10 साल के अंदर अंदर उन्होंने चंपारण छोड़ दी। तो गांधी जी का ये पहला आंदोलन सफल हुआ। इसी के साथ साथ एक और आंदोलन खेड़ा और अहमदाबाद संघर्ष भी महत्वपूर्ण है। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, ये प्रथम भूख हड़ताल चंपारण के पश्चात गांधी जी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल के मुद्दे पर हस्तक्षेप किया और यहीं पे गांधी जी ने पहला भूख हड़ताल की हंगर स्ट्राइक की। वी विल रीड दिस टॉपिक इन माई नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।